हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे यूज ऑफ इन, आई एन इन, फिर ऑब्लिक दिया गया है ओ एन ऑन, फिर ऑब्लिक यू एन डी ई आर अंडर, यानी कि तीनों वर्ड्स अलग अलग हैं, इन ऑन अंडर। अब तीनों के मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। इन मीन्स अंदर, जैसे किसी भी चीज के अंदर, जैसे हम घर के अंदर होते हैं, क्लास के अंदर होते हैं, तो मे भी कहते हैं उसे, अंदर भी कहते हैं। घर में, घर के अंदर, क्लास में, क्लास के अंदर, गिलास में पानी होता है ना, तो गिलास के अंदर होता है। जैसे ये पप जो है किसके अंदर है, टब के अंदर। तो यानी कि इन मीन्स दो मीनिंग याद कर लीजिए, मे और अंदर, ठीक है। ऑन मीन्स होता है ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है। तो हम कोई भी चीज, किसी चीज के, जैसे टेबल पर रख देते हैं, बेड पर रख देते हैं, किसी ऊपर। तो मम्मी की पूछती है आपसे, कहा कि मैंने इसके ऊपर चीज रख दी, बताते हो ना मम्मी को। ऑन मीन्स ऊपर, और अंडर, अंडर मीन नीचे। नीचे का मतलब किसी वस्तु के नीचे, किसी भी चीज के नीचे। तो ऊपर कुछ होना चाहिए, नीचे, ठीक है। तो अब हम ध्यान से पढ़ेंगे, बोलिए इन ऑन अंडर। अब यहाँ जो वर्ड्स लिखे हैं रेड से, तो इनकी मीनिंग, अ पप इज इन अ टब, पप जो है टब के अंदर है। तो यहाँ पर हमने फिल क्या किया हुआ है, इन। अब फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, यानी कि पप कहाँ है, टब के अंदर। तो यहाँ पर ऑन भी नहीं भरेंगे, अंडर भी नहीं भरेंगे, क्योंकि ना तो वो ऊपर है ना नीचे है, किसके है, टब के अंदर। तो इन आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब ध्यान से सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर पिक्चर को, पहले पिक्चर देख लीजिए। ये चेयर है और ये रैट है, रैट किसके नीचे, चेयर के नीचे है। तो नीचे के लिए क्या आना है, अंडर। तो सेंटेंस में भी यही लिखा हुआ है, अंडर, अ रैट इज अंडर द चेयर, जो रैट है चेयर के नीचे है। अब ये पिक्चर देखिए, टेबल के ऊपर क्या है, बुक। तो ऊपर वाले के लिए क्या आना चाहिए, ओन। तो यहाँ भी ओन लिखा है। अब सेंटेंस रीड करेंगे, बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल के ऊपर है। अब पिक्चर देख लीजिए, अब ये नेस्ट है, नेस्ट में क्या है, एग्स, ठीक है। तो अंदर है या बाहर है या ऊपर है, नेस्ट के अंदर है। तो एग्स का है, द एग्स आर इन द नेस्ट, तो क्या लिखा है यहाँ, इन। अब बॉय गर्ल जो है किसके ऊपर सो रही है, बेड के ऊपर, तो ऑन आएगा यहाँ पर, द गर्ल इज ऑन द बेड, यानी कि बेड के ऊपर है। अब कार कहाँ है, ये क्या है, पुल है, पुल को बोलते हैं ब्रिज, ब्रिज के नीचे है, द कार इज अंडर द ब्रिज। तो आपने इस इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है, और जो यहाँ पर यूज हुए हैं इन ऑन अंडर, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आप बच्चे इसमें फिल करेंगे अपने आप, पिक्चर को देखकर, ठीक है। आपको सेंटेंस रीड करना है, रीडिंग आती है या नहीं आती है, पिक्चर देख के फटाफट बता दोगे। यहाँ पर क्या आएगा, बेबी कहाँ है, बॉय, टब के अंदर, ग्रेप्स कहाँ है, टेबल के ऊपर, बैट कहाँ है, ग्राउंड में, ग्राउंड में। तो ये ट्री के नीचे क्या है, टाइगर, और फिश कहाँ है, वाटर में, और ये काऊ कहाँ है, शेड में। तो क्या लिखेंगे, शेड के नीचे है। तो यहाँ पर द बॉय इज इन द टब, तो यहाँ पर फिल क्या करेंगे, इन। इन ऑन अंडर की स्पेलिंग आपको आते हैं ना, तो ध्यान से देख, ग्रेप्स आर ऑन ऑन द टेबल, द बैट इज इन द ग्राउंड, ग्राउंड में है, इन द ग्राउंड, द टाइगर इज अंडर द ट्री, द फिश स्विम्स इन द वाटर, पानी में है, द काउ इज अंडर द शेड, अंडर भरेंगे, ठीक है। तो कौन सी चीज कहाँ पर है वो आपको पता चल गया,
और उसके लिए क्या आना है वो भी आपने अपने आप फिल करना है इसमें। उसमें तो आपने पिक्चर्स को देखकर कर लेना है, और इसमें ये वाला वर्क आपने अपनी नोटबुक में करना है। ओके बाय।